नमस्कार दोस्तों, एक नवी डोमेन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर एसी के लिए स्टेबलाइजर लगाने वाले हैं। तो स्टेबलाइजर जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि आपका विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों के लिए हमें स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारे सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास स्प्लिट एसी है और यहाँ पर हम लोग कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर लगाने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीगार्ट कंपनी का स्टेबलाइजर लाए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है गर्मी के टाइम में वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टेबलाइजर लगाते हैं ताकि हमारा वोल्टेज मेंटेन रहे। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा स्प्लिट एसी होती है उसमें भी यही स्टेबलाइजर लगता है, जो विंडो एसी होती है उसमें भी यही स्टेबलाइजर लगता है, यदि आपका इन्वर्टर एसी है तो भी यही आपका स्टेबलाइजर लगेगा, ठीक है। वीगार्ट कंपनी का बात करते हैं कि ये हमारा जो वीगार्ट कंपनी का स्टेबलाइजर है, यहाँ देख रहे हैं ना, वीगार्ट कंपनी का स्टेबलाइजर है, ये एल्युमिनियम में बना रहता है सबसे पहले चीज, और इसका मॉडल नंबर है VE, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना, इसका मॉडल नंबर है BE400, ठीक है, BE400 ये डेल्टन एसी के लिए होता है, BE400 डेल्टन एसी के लिए होता है। यहाँ पे आपको बता देते हैं वर्किंग रेंज कितना है, यहाँ देखिए वर्किंग रेंज 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक ये काम करे। अगर आपके घर बिजली 90 वोल्ट आ रही है तो भी आपका ये स्टेबलाइजर 200 के ऊपर वोल्टेज को देगा। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर वारंटी आपको मिलेगी, मतलब 3 साल की फुल वारंटी मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कंपनी फ्री में बनाएगी आके। और यहाँ पर सुपर ब्रांड का इसका टैग मिला हुआ है 2022 और 23 में, मतलब कि ये एकदम अच्छी कंपनी और बेस्ट कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्राइस को देख ले तो इसका मॉडल नंबर है, आपको पता है ये BE400, प्राइस लिखा हुआ है 10,990। इस पे प्राइस डिब्बे पे ज़्यादा लिखा रहता, बट ये कितने का मार्केट मिला वो अभी हम लास्ट में इसी में बता देते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों जो VE400 होता है वो डेल्टन एसी के लिए होता है, जो VE500 होता है वो 2 टन एसी के लिए होता है, ठीक है। ये 90 से 300 वोल्ट तक काम करेगा अच्छे से। इसमें दोस्तों आपको कभी कभी पूछा क्या ये भी बिजली खाती है, दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम स्टेबलाइजर लगाते हैं तो लगभग 30 जब जितने घंटे तक एसी चलती है उतने देर तक हमारा 30 से 35 वाट तक ये बिजली खाती रहती है, ठीक है। इसका लगाने का तरीका इसमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ लगाने का तरीका तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा है, अगर आपको इसको लगाना चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरा लगाने का तरीका हमने बताया हुआ है। दोस्तों आपको इन्वर्टर एसी जो होता है, इन्वर्टर एसी का नाम होता है इन्वर्टर एसी, क्या वो इन्वर्टर चलता है, दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर इन्वर्टर एसी है तो उसको मिनिमम 180 वोल्टेज चाहिए, और आपका नॉर्मल एसी है तो लगभग 200 के आसपास उसको वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वीगार्ट कंपनी का मॉडल बहुत छोटा है, BE400 है, और इसका और बता देना चाहते हैं दोस्तों इसका लगाने का चार्ज कितना होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ये लगाने का चार्ज यहाँ पे 200 रुपये हम लोग यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में लेते हैं, और आप वहाँ कितने का लेता आप कमेंट करके बताइएगा। और इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि हमारा डायरेक्ट एसी अभी चल रहा था, ठीक है, और यहीं पे हमको एसी के बगल टांगना है, एसी के नीचे नहीं टांगना है ना, एसी का पानी पड़ेगा तो हमारा स्टेबलाइजर खराब हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें इसके पीछे आप जब स्टेबलाइजर के बैक साइड में जाएंगे तो इस साइड में जो ये लंबा वाला तार होता है इनपुट का होता है, और ये हमारा एसी का आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ से 3 तार होता है RYB, ठीक है, लाइन न्यूट्रल और अर्थ, ठीक है, और हमने यहाँ लगा दिया है और हमारा देखिए सप्लाई चालू हो गया है। आउट इनपुट IP मतलब होता है इनपुट, लगभग 180 वोल्ट आ रहा है, और OP मतलब होता है आउटपुट, जो हमें दे रहा है वो 212 वोल्ट हमें दे रहा है, ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है बता रहा है, यानी 180 वोल्ट को 212 वोल्ट में ये कन्वर्ट कर दे रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।